ये जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मिस इंडिया से पहले का है। एक्चुअली मिस इंडिया हैज़ बिकम द रेफरेंस पॉइंट जिससे पहले और जिसके बाद की स्टोरीज। इट इज़ लाइक दिस। सो ये मिस इंडिया से पहले का इंसिडेंट है जो उस वक्त हो रहा था जब मैं भी ये सोच में रहती थी कि मेरे लाइफ में आखिर मुझे करना क्या है। आई यूज़ टू बी वेरी कन्फ्यूज रिगार्डिंग माई फ्यूचर प्लान्स। मैंने ग्रेजुएशन BCA मैंने कर लिया था। आई वॉज परस्यूइंग MCA एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ UPSC एग्जामिनेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। सो क्योंकि जब हम IAS जैसे हाई कैडर के जॉब्स के लिए सोचते हैं, सो हमारे एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है जो उसी फील्ड का होता है। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई गॉट टू नो अबाउट अ गाय हु वॉज माई स्कूल जूनियर एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। सो बातों बातों में मुझे पता चला कि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं और स्कूल में मेरा जूनियर था। वैसे मैंने कभी उस मैं उससे कभी मिली नहीं, ना मैंने कभी स्कूल में उसे देखा, बट आई गॉट टू नो वी हैड कॉमन स्कूल। सो वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग एंड स्लोली वी बिकेम फ्रेंड्स। बातों बातों में हम दोस्त बन गए। एक दिन फेसबुक मैसेंजर पे मुझे एक मैसेज आता है कि प्रिया जी, मैं ना आपके दोस्त का दोस्त हूँ एंड जो मेरा ये UPSC वाला फ्रेंड था इसका मैं दोस्त हूँ करके। सो आई वुड नॉट शेयर देयर नेम्स। आई थिंक प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं। सिंस ये स्टोरी एक दायरा बताता है ज़िंदगी का, सो इसलिए मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ लेकिन लोगों के नाम शेयर नहीं कर पाऊँगी। सो ये मुझे जब मैसेज करते हैं महाशय और मुझे कहते हैं, मैं इन्हें महाशय के नाम से ही बुलाती हूँ, सो थोड़ा आपको मज़ा आएगा सुनने में। सो ये जो महाशय हैं ये मुझे मैसेज करके बोलते हैं, प्रिया जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत अच्छे इंसान हो और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे दोस्ती नहीं करोगे क्योंकि आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, सो मेरे जैसे इंसान से कोई क्यों दोस्ती करेगा। मुझे समझ नहीं आया कि ये महाशय क्यों इस तरह के लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं और ये हैं कौन। मैंने पूछ लिया, आप कौन हैं और क्या करते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पास मैसेज आता है, प्रिया जी मैं ना जेल से छूटा हुआ हूँ, जेल से रिलीज हुआ हूँ, 7 साल की सज़ा से छूट कर मैं बाहर आया हूँ। मेरा क्राइम था कि मुझे एक मर्डर केस में फंसाया गया था। जिस मर्डर केस में मुझे फंसाया गया था उसमें आई वॉज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल, मेरा हाथ नहीं था, बट मैं क्योंकि फंस गया इसलिए मुझे और मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया, सो इसलिए मुझे ये जेल की सज़ा काटनी पड़ रही है और पड़ी थी, मतलब अब तो वो रिलीज हो गया था। एंड क्योंकि मैं अपनी स्टोरी, ये वाली स्टोरी जेल वाली, इस लोगों को बताता हूँ इसीलिए लोग मुझसे बात नहीं करते और कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। बट आप तो अच्छे इंसान हो तो आप भी मुझसे बात नहीं करोगे, आप भी मुझसे दोस्ती नहीं करोगे और मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। सो ही मैंशन लाइक दैट। आई गॉट टू नो दैट ये तो इसका कुछ ट्रैप लगता है जो इमोशनली ब्लैकमेल करके बात करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो उस दिन मैंने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया, बट मेरा जो UPSC वाला फ्रेंड था, आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि ये कौन है, क्या है, क्या ये सच बोल रहा है, ये कौन है, ये सच में जेल से निकला हुआ है, क्या है। सो ही टोल्ड मी दैट यस, वो जेल से ही निकला हुआ है और अच्छा इंसान है, किसी को तंग नहीं करता और ऐसा है करके। देन अगले दिन उसने बोला कि प्रिया जी, अगले दिन उस महाशय का फिर से मेरे पास मैसेज आता है एंड ही सेज प्रिया जी मेरे पास आपका नंबर है। एंड आई वॉज हॉरीफाइड, ओ माई गॉड, इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आपको तब तक कॉल नहीं करूँगा जब तक आप मुझे परमिट नहीं करोगे। मुझे तो इस बात का ज़्यादा शौक लगा कि मेरा नंबर इसको कहाँ से मिल गया, बट लिंक था इसीलिए आई गॉट टू नो कि इसी मेरे UPSC वाले फ्रेंड ने इसको दिया।
आई कॉल्ड माई यूपीएससी वाला फ्रेंड एंड स्कॉल्डेड हिम कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरा नंबर देने की, मेरे मुझसे बिना पूछे ये वो करके. एंड ही टोल्ड मी दैट मैंने मैंने नहीं दिया, उसने मेरे फ़ोन से निकाल लिया होगा करके. ही मेड एक्सक्यूजेस ड्यूरिंग दोज डेज. आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेवरल पीपल, आई वॉजन्ट स्मार्ट इनफ. सो जो लोग जो जिन पर मैं भरोसा करती थी या जिनको मैं सोचती थी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन पर मैं ब्लाइंडली बिलीव कर लिया करती थी. So, since this world is super fast in such cheating things, so ये चीज़ें एक ऐसा इंसान जो अपनी खुद की ज़िंदगी में इतना मशगूल है और अपनी ज़िंदगी की जंगों में बिजी है, उसको इन चीज़ों को चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. So, I was like that during those times. सो मैंने सोचा फिर मैंने सोचा चलो लेट इट बी, अगर ये कॉल नहीं करेगा तो फिर क्या, कोई बात नहीं है, मुझे क्या परेशानी है. देन ही मैसेज मी अगेन एंड सेड कि प्रिया जी आप ना मुझे कुछ इंग्लिश सिखा दोगे क्या, मेरी ना इंग्लिश वीक है और मेरा जो भाई है उसका टूरिज्म का बिजनेस है. सो इनकी जो वैंस चलती हैं उसमें कुछ फॉरनर भी आते हैं टूर के लिए, सो उनसे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो मेरा सेंटेंस ठीक से बनता नहीं है. सो अगर आप मुझे इसमें गाइड कर दोगे तो मैं उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊँगा और मैं अच्छा अर्न भी कर पाऊँगा क्योंकि मुझे फॉरेन करेंसी में अच्छा मिल जाता है पैसा फिर. सो आई मैसेज्ड हिम कि यू गो एंड टेक ट्रेनिंग फ्रॉम सम सेंटर्स स्टफ एंड ऑल. ही अगेन रिस्पॉन्डेड मी दैट क्योंकि मेरा मुझे है ना मैं एक जगह नहीं रह सकता और इसीलिए मैं कहीं पे एडमिशन नहीं ले सकता. देन आई आस्क्ड रीज़न व्हाई, सो ही टोल्ड मी दैट जिस के मर्डर में इसको ट्रैप किया गया था उस फैमिली के लोग जितने भी इस मर्डर में शामिल थे लोग 4-5 लोग उन सबको निकाल निकाल के जेल से दे वर किलिंग. सो ही टोल्ड मी कि वो जो 4-5 लोग फंसे थे इस मर्डर केस में उसमें से ये छठवां इंसान था और बाकी 5 जनों को उस फैमिली मेंबर ने मार दिया था. एंड ही वॉज द लास्ट वन हु वॉज रनिंग फ्रॉम देम, इधर उधर भाग रहा था अपनी जान बचा के, जगह चेंज करता था, नंबर चेंज करता था, लाइक दैट. सो ही यूज टू टेल मी कि अगर मैं नंबर बदलता रहता हूँ और मैं आपको जब भी कॉल करूँ तो आप मुझे 1-2 घंटा समझा दिया करो इंग्लिश, क्योंकि उस वक्त मुझे ऑलमोस्ट मेरी जो लाइफ थी वो रोलर कोस्टर राइड थी. इन्फेक्शंस होना, हॉस्पिटलाइज होना, बीमार पड़ जाना, कुछ था ही नहीं सॉलिड. सो मैंने सोचा चलो आई वुड बी यूजफुल टू दिस गाय, इसकी ज़िंदगी बन जाएगी. ये मुझे भी यही सेंटेंस बोला करता था कि महाशय ये कि आप अगर मुझे सिखाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी लाइफ बन जाएगी अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दोगे. सिंस ही वॉज टॉकिंग इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज तो मुझे कहीं से इसकी कोई भी बात पे ऐसा नहीं लगा कि ही इज़ ट्राइंग टू मिसयूज़ मी और समथिंग लाइक दैट. सो वैसे भी मैं घर पर अकेली रहा करती थी, पेरेंट्स जाते थे जॉब के लिए, मेरे पास काफ़ी घंटे होते थे, तो आई थॉट ओके आई विल हेल्प हिम आउट. सो आई परमिटेड हिम टू कॉल मी. सो मेरी परमिशन से ही स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड ही यूज टू स्पीक इन अ वेरी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज और मैं उसको पढ़ाया करती थी. वो मुझे कहता था कि आप ना इंग्लिश में ही बात करो बुक से. मैंने कहा ओके फाइन. सो आई यूज टू कम्युनिकेट विद हिम इन इंग्लिश धीरे धीरे एंड बीच बीच में डिसअपियर हो जाता था. That never bothered me because he had told me some ajeeb si stories and all stuff. So I thought okay hoga kuch bhi, but I am helping him out, that I know. So kuch din ho gaye, kuch mahine nikal gaye, he just disappeared. Ek din that was 14th of February, Valentine's Day. Early morning I got a message. It was the message from this mahasha only and he mentioned, प्रिया जी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और मेरा बस चले तो मैं आपको उठा के ले जाऊँ आपके घर से. दैट वॉज अ शॉकिंग मैसेज फ्रॉम दिस महाशय एंड आई गॉट अपसेट. मुझे बहुत गुस्सा आया
क्योंकि मैं तो अपने आप को इतनी रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है वो शायद मैंने मेरी लाइफ में जैसी ट्रेजेडीज हो रही थी वो रेस्पेक्ट मैं खो चुकी थी। मतलब लोग मुझे बोझ और इस तरह से डिपेंडेंट डिसेबल इस तरह के वर्ड यूज किया करते थे। ही वॉज द ओनली वन हु वॉज गिविंग मी अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। ये इसकी तरफ से ऐसे शब्द आना वो मुझे जायज़ है, गुस्सा होता, बहुत गुस्सा आता और मुझे आया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको कॉल किया एंड मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम इस फैमिली से बिलोंग करते हो, इस तरह के इंसान हो। ही यूज़ टू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली और उनका बहुत बड़ा फ्लॉरिश बिजनेस बिजनेस था और इनकी सारी फैमिली में ही वॉज द ओनली ब्लैक शीप। सो ही यूज़ टू टेल मी लाइक दैट। सो मैंने बहुत डांटा इसको और मैंने कहा खबरदार आगे से मुझे कॉल भी किया तो, वरना मैं पुलिस चली जाऊंगी, सीधे पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। एंड बहुत डांटने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। उसका SMS आता, आई एम सो सॉरी, वो मैं नशे में था, ये और वो करके ही। सो मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली अपसेट दैट डे कि आप भला करने जाते हो और आपको ऐसे बदमाश लोग मिल जाते हैं। एक उसी आफ्टरनून में आई ओपन द टीवी एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग टेलीविजन न्यूज़। न्यूज़ हेडलाइंस नीचे पढ़ना शुरू हो गई। हेडलाइंस में इन्हीं महाशय का नाम फ्लैश होता है और लिखा हुआ आता है कि कुछ 4-5 लोगों ने शहर के एक दुकान में इन महाशय को शूट कर दिया है। मैं आई वॉज रियली शॉक्ड दैट टाइम, बिकॉज उसी दिन तो मैंने इसको डांटा था। और अब अगर इसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पुलिस इज गोइंग टू ट्रेस ऑल द फोन नंबर्स कि कहाँ कहाँ से कॉल आए थे, कहाँ से क्या हुआ था। एंड मैं तो कांपना शुरू हो गई क्योंकि मैंने ये चीज़ें तो मम्मा से कभी शेयर नहीं की, ना पापा से शेयर की ऐसी चीज़ें कि मैं किसी को गाइड कर रही हूँ या कुछ। और मैंने कहा यार आज तो शाम को मेरे दरवाजे पे है ना पुलिस आके खड़ी हो जाएगी और मेरी ना बैंड बजने वाली है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। एंड मुझे डांट पड़ेगी कि भाई तुम बहुत समाज सेविका बन गई हो और तुमने सोचा नहीं कि ये कैसे कैसे बैकग्राउंड के लोग हैं और क्या क्या हो सकता है करके। मैं आई यूज़ टू टीच इन द इवनिंग एंड आई थॉट कि यार आज तो मेरी वाट लगने वाली है एंड मेरा मन ना लगे बच्चे पढ़ाने में। और मैं यही सोचती रहूँ कि भगवान अब बैल बजी और कोई आया। आई कॉल दैट UPSC वाला फ्रेंड एंड मैंने उसे बोला कि तूने न्यूज़ देखी, न्यूज़ में उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ही डिडंट रिप्लाई मी, ही वॉज नॉट इन द सेम स्टेशन, ही हैड गॉन टू हिज फैमिली मेम्बर्स। सो जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मुझे डर का मतलब डर लगे ही जाए, मैं क्या करूँ, अब मैं घबराती जाऊँ, ना किसी से बोल सकती हूँ, ना मम्मा को बता सकती हूँ, करूँ क्या। थोड़ी देर बाद इवनिंग में फिर मैंने उसको मैसेज किया कि भाई बता क्या हुआ है, कुछ तो अपडेट कर, डिनर टाइम हो गया, 8 बज गए। 8 बजे मैं मोबाइल में मैसेज का वेट कर रही थी कि शायद मुझे कोई मैसेज मिल जाए कि हाउ ही इज़, और वो मेरा UPSC वाला फ्रेंड कुछ बता दे क्या है। रात के 10 बज जाते हैं और एक मैसेज बीप करता है। जब मैं मोबाइल खोल के देखती हूँ तो उसमें मैसेज में लिखा रहता है, प्रिया जी चिंता मत करिए, हम जैसे लोग जल्दी मरते नहीं हैं। सो ये पूरी स्टोरी बहुत चीज़ें हमारे समाज की रिफ्लेक्ट करती हैं। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा और ये शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे बाकी वीडियोस भी देखते रहिए। जल्दी फिर से एक नई स्टोरी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।